बहुत ही शानदार माहौल यहाँ पे मुराद करण राज स्टेडियम द्रोष में। चारों तरफ जो स्टेडियम के जो पवेलियन थे वो फुल हैं, फुल क्राउडेड मैच यहाँ पे खेली जा रही है। शिराज बाद में मौजूद हैं, जिया को पास दी, बैक पास, जिया बाल को लेके आगे बढ़ रहे हैं, बाल जिया के पास, लेफ्ट आउट को बाल दी है इजहार लाल, बाल तक पहुंच चुके हैं, डी के अंदर दाखिल हुए हैं और इफ्तिखार बाल को यहाँ पे आउट ऑफ डी मिला है। चित्राल सरकार को गिराया गया है, इफ्तिखार को फाउल हुआ है जिसका फायदा मिला है चित्राल सरकार को। इफ्तिखार अभी तक यकीनन शायद उसके पाँव पर टक्कर मारी है और यहाँ पर फ्री किक मिली है अभी चित्राल सरकार को। जिया मौजूद हैं, मौसूर मौजूद हैं, इजहार लाल मौजूद हैं, इफ्तिखार खुद मौजूद हैं, पता नहीं और अभी सारे डिफेंड लाइन बना चुके हैं वहाँ पे और उसके साथ साथ हमें अंदाज़ा लगाने में मुश्किल पेश आ रही है कि ये फ्री किक कौन लगा रहे हैं वहाँ पे। मौसूर भी मौजूद हैं और उसके साथ साथ ज़ियाउस्सलाम भी मौजूद हैं। सारे डिफेंड लाइन के मूवों के सारे खिलाड़ी डिफेंड लाइन बनाने में मसरूफ़ और डिफेंड ब्लॉक बना चुके हैं, फ्री किक लगा रहे हैं। मोहम्मद रसूल बाल रीबाउंड होके वापस आ गया है और डी के ऊपर मौजूद है, जबरदस्त बॉल थी लेकिन शिराज नाकाम रहे। इफ्तिखार ने शूट लगाने की कोशिश की थी, मुखालिफ टीम के खिलाड़ी से बाल टकराने के बाद आउटलाइन से बाहर और कॉर्नर मिला है यहाँ पे चित्राल सरकार को। मैच का दूसरा हाफ चल रहा है और ये मैच बगैर किसी गोल के जारी है। ज़ियाउस्सलाम फ्री किक जो है कॉर्नर लगाने के लिए कॉर्नर लाइन पे मौजूद। शॉट और ये जबरदस्त कोशिश रहमानुल्लाह की जानिब से लेकिन गोलकीपर लियाकत उतनी ही फुर्ती और तेजी से बाल तक पहुंचते ही बाल को अपनी महफूज दस्तानों में ग्रिप कर लिया और लॉन्ग शॉट लगाई। बाल अनहार बाल को हेड के जरिए से आगे पहुंचा दिया जिया को, बाल जिया के पास, जिया से जुनेद, जुनेद से फिर इजहार लाल, शायरान लाल से इजहार लाल, इजहार लाल बाल को क्रॉस दी है राइट साइड पे लेकिन वहां पे कोई मौजूद नहीं। फरहान शॉर्ट पास, वहां से आठ नंबर खिलाड़ी फिर हमजा के पास, हमजा बाल को लेके आगे बढ़ने की कोशिश की थी और बाल आउटलाइन से बाहर थ्रो मिला है मूव को हाईलैंडर को। बारह नंबर के खिलाड़ी बाल को लेके आगे बढ़ रहे हैं, डी में दाखिल हो चुके हैं। यकीनन ये शॉट बैक पास दी थी लेकिन नाकाम रहे, गोलकीपर बाल को लेफ्ट फुटेड लॉन्ग शॉट लगाई और बाल लेफ्ट साइड पे आउटलाइन से बाहर। बैक थ्रू शमशेर, जिया ने बाल को लॉन्ग शॉट लगाई और वहां से फिर शायरान लाल के पास, वसीम साजिद सीनियर, वहां से फिर वसीम, वसीम से बाल छीन ली गई है और यहां पे मूव को हाईलैंडर को थ्रो मिला है, शॉर्ट थ्रो। इजहार लाल तेजी के साथ सेंटर लाइन क्रॉस करते हुए, शिराज बाल को लेकर डी के अंदर दाखिल हो चुके हैं आगे और ये जबरदस्त कोशिश थी, बाल अभी भी डी के बिल्कुल साथ मौजूद है। इफ्तिखार एक मरतबा फिर नाकाम रहे, जिया क्रॉस लगाई और वहां से आउटलाइन से बाहर।
यहाँ पे चेंज किया गया है, जुनैद बाहर हुआ है और उसकी जगह खालिक उस जमान 11 नंबर की जर्सी पहने हैं, ग्राउंड के अंदर इन हो चुके हैं। वसीम बाल को लेके आगे बढ़ रहे हैं, लॉन्ग पास देने की कोशिश की थी खालिक उस जमान के पास, बाल मौजूद, वहाँ से फिर इजहार लाल को पास दिया गया है। इजहार लाल जायजा लेने के बाद शिराज को पास दी थी, शिराज बाल को सही तरीके से अपनी गिरफ्त में नहीं ले सके और साजिद जूनियर के पास बाल मौजूद हैं, लॉन्ग शॉट, रहमानुल्लाह बाल छीन के इजहार लाल को पास दिया, इजहार लाल लेफ्ट साइड पे बाल को लेके आगे बढ़ रहे हैं, क्रॉस दी और मुखालिफ खिलाड़ी से बाल टकराते हुए आउटलाइन से बाहर, यहाँ पे कार्नर मिला है। चित्राल सरकार को लॉन्ग शूट और ये हेडिट एफर्ट और बाल को डी से बाहर कर दिया है, इजहार लाल बाल पे मौजूद हैं, दोबारा क्रॉस लगा लिए और ये बाल आउट लाइन से बाहर। नवीद से बाल हमजा को, हमजा फिर 8 नंबर के नवीद बाल को लेके आगे बढ़ रहे हैं, डी के अंदर दाखिल हो चुके हैं और ये क्रॉस दिए, ख़तरनाक हो सकता था लेकिन वकार बलोच ने बाल को आउट लाइन से बाहर फेंक दिया और यहाँ पे कार मिला है मूल को, हाईलैंडर को। ज़बरदस्त ताबड़तोड़ हमले जो हैं दोनों तरफ से जारी हैं, क्रॉस बॉल लेकिन नाकाम रहे। एक मतलब फिर डी के अंदर मौजूद लेकिन वकार बलोच हेड के जरिए से बाल को डी से बाहर कर दिया। थ्रो मिला है यहाँ पे मुल्को हाईलैंडर को, बाल शिराज के पास, शिराज से जिया, जिया लेफ्ट आउट, इजहार लाल को पास दिया इजहार लाल लेकिन यहाँ पे साइड। ज़बरदस्त मैच, मैच का है दूसरा हाफ यहाँ पे करण मुराद स्टेडियम द्रोश में जारी है, तहम अनहार के पास बाल, अनहार को ले अनहार बाल को लेके आगे बढ़ रहे हैं, शार्ट पास मौसूल को, मौसूल जायजा लेने के बाद लॉन्ग शूट दिए लेफ्ट आउट पे मौजूद इजहार को, इजहार
बाल छीने की कोशिश में आउट लाइन से बाहर थ्रो मिला यहाँ पे चित्राल सरकार को। साजिद ने जूनियर ने बाल को क्लियर कर दिया ज़िया के पास, जायज़ा लेने के बाद राइट आउट पे खालिकुज़्ज़मान को पास, ये बाल को लेके आगे बढ़ रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं कि किसको पास दें, क्रॉस लगाई है वहाँ से लेकिन साजिद जूनियर इंतहाई तेज़ी के साथ मैच खेलते हुए बैक पास वखार बलोच को, वखार बलोच सजाद साजिद सीनियर मूको आइलैंडर ज़िया, ज़िया से इफ्तिखार वापस ज़िया, बाल को लेके आगे बढ़ रहे हैं, जी के ऊपर बॉल मौजूद, मिस कर दिए हैं यहाँ पे बाल खालिकुज़्ज़मान के पास, फरहान बाल को सही बाल फरहान के पास है, साजिद सीनियर को पास दी, साजिद सीनियर से फिर हमज़ा लेफ्ट फुटिट ज़ोरदार शॉट लाइन कोश रहमान से फिर अनहार, अनहार ने एक खिलाड़ी को डाल दिया बाल को लेके आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ से खालिक को बाल दिए, खालिकुज़्ज़मान बाल को लेके आगे बढ़ रहे हैं और ज़बरदस्त बाल यहाँ पे है लेकिन बाल डी के अंदर दाखिल हो चुकी है, लेकिन बाल इजहार लाल नाकाम रहे बाल को संभालने में और बाल आउट लाइन से बाहर। मुराद स्टेडियम दोस्त तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ है, यहाँ पे फाउल हुआ है, वकार बलोच जख्मी हुए हैं, चित्राल लेवी के बैंड टीम जबरदस्त तरीके से चित्राली धुन बजा रहे हैं और रिवायती रक्स जो है वहाँ पे जारी है, तमाशाई चितारी सुर और ताल से महसूस होते हुए। फ्री किक रहमानुल्लाह ने फ्री किक लगाया और वहाँ से इजहार लाल हेड के ज़रिए से बाल को आगे पहुँचाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। ज़बरदस्त ग्रांड फाइनल मैच चित्राल फुटबॉल लीग सीजन 3 का यहाँ पे जारी है। मैच जिन सामीन ने अभी हमें ज्वाइन किया उनको बताता चलें कि ये चित्राल
फुटबॉल लीग सीजन 3 का ये फाइनल मैच का ये दूसरा हाफ मुराद स्टेडियम द्रोश में जारी है। फिलहाल दोनों टीम्स जो हैं वो गोल स्कोर करने में नाकाम रहे हैं। मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर है। मैच का ये दूसरा हाफ जारी है। यहाँ पे बाल चित्राल सरकार के डी के अंदर मौजूद है। आउट लाइन से बाल बाहर, अनहार को शॉर्ट पास दी थी लेकिन अनहार बाल को क्लियर जो है नहीं कर सके। बाल आउट लाइन से बाहर, यहाँ पे थ्रो मिला है मूल को हाईलैंडर को। अनहार एक मरतबा फैर नाकाम रहे बाल को रोकने में। दोबारा थ्रो मिला है हाईलैंडर वालों को। ज़बरदस्त मैच यहाँ पे जारी है। कॉर्नर मिला है यहाँ पे मूल को हाईलैंडर को। लॉन्ग शूट, वकार बलोच सर पे चोट लगने की वजह से सर पे पट्टी बांध के दोबारा मैदान में उतर चुके हैं। इंतहाई शानदार और फुर्ती से खेल रहे हैं। इफ्तिखार बाल को लेके आगे बढ़ रहे हैं, पास देने की कोशिश नाकाम रहे हैं। हमजा के पास बाल मौजूद है। हमजा खतरनाक हो सकता है, अपने लॉन्ग रेंज शूट के लिए मशहूर हैं। सजिद सीनियर दोबारा पास देने में नाकाम रहे। खालिक-उज़-ज़मान के पास बाल मौजूद, बाल को बहुत ही शानदार मौका है। शिराज की तरफ से जबरदस्त स्कोर, जबरदस्त स्कोर शिराज की तरफ से। मैच का पहला स्कोर चित्राल सरकार के शिराज ने यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से बाल को लेके गोल पोस्ट के अंदर दाखिल कर दिया। इस तरह अपनी टीम को गोल एक गोल की बर्तरी दिला दी है और ज़बरदस्त स्कोर उन्होंने यहाँ पे भरपूर फायदा लिया है। एम्प्टी फील्ड का, वहाँ पे कोई मुखालिफ खिलाड़ी मौजूद नहीं थे, जो डिफेंडर से उनको डाश दे के आगे बढ़ चुके थे और बाल अपनी गिरफ्त में लेते ही लेफ्ट साइड पे गोलकीपर के राइट साइड पे उन्होंने शूट मारी और ज़बरदस्त स्कोर कर दिया। मैच 1-0 चित्राल सरकार 1 मूल को हाईलैंडर 0। मैच का ये दूसरा हाफ चल रहा है। पहला स्कोर आसिम शेराज 10 नंबर की जर्सी पे मलबूस चित्राल सरकार के लिए। यकीनन इस स्कोर से उनके हौसले बुलंद हुए और अब वो मज़ीद टेम्परमेंट और बूस्ट होके आगे बढ़ेंगे। ज़िया ने राइट आउट खालिक-उज़-ज़मान को बाल देने की कोशिश की थी, नाकाम रहे। साजिद सीनियर बाल छीन ली गई है अनहार ने। बाल एक मरतबा फिर बाल इफ्तिखार के पास, बाल को लेके आगे बढ़ रहे हैं। शानदार मौका है और ये जबरदस्त गोल इफ्तिखार की तरफ से, दूसरा गोल। एक मिनट भी नहीं गुजरा था कि इफ्तिखार ने दूसरा गोल डाल दिया है यहाँ पे। जबरदस्त गोल, जबरदस्त स्कोर चित्राल सरकार के इफ्तिखार की तरफ से। 8 नंबर की जर्सी पे मौजूद मलबूस इंतहाई तेजी के साथ बाल को लेके आगे बढ़े और ये दूसरा स्कोर जो है उन्होंने यहाँ पे चित्राल सरकार के लिए उन्होंने कर दिया और इस तरह मैच 2-0 से चित्राल सरकार आगे बढ़ते हुए। मैच का ये दूसरा हाफ यहाँ पे जारी है। इंतहाई शानदार मैच, गुड कमबैक फ्रॉम चित्राल सरकार। पहला स्कोर आसिम शेराज, बिल्कुल चंद लम्हों बाद इफ्तिखार ने किया और इस तरह
2-0 की बर्तरी अपनी टीम को दिला दी है यहाँ पे। इंतहाई शानदार मुकाबला। जबरदस्त माहौल यहाँ पे, दोनों टीमों के खिलाड़ी इंतहाई फुर्ती और चालाकी से खेल रहे हैं, लेकिन स्कोर, पहला स्कोर आसिम शेराज, दूसरा स्कोर इफ्तिखार। यहाँ पे गोलकीपर एक मरतब फिर आसिम शिराज बाल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बाल छीन ली गई है। जिया ने बाल को लेफ्ट साइड पे आउटलाइन से बाहर कर दिया था, बाल इजहार लाल के पास मौजूद, लेकिन मुखालिफ खिलाड़ी भी मौजूद शायरान जिया के पास। जिया से फिर लेफ्ट साइड पे शिराज बाल तक पहुंचने की कोशिश की थी। इंतहाई शानदार मैच आपके सामने यहाँ पे मुराद स्टेडियम द्रोश में जारी है। अफगान टीवी के लाइव ट्रांसमिशन के थ्रू ये मैच आप तक पहुँचाई जा रही है। ज़बरदस्त और सनसनीखेज मैच यहाँ पे जारी है। फ्री किक मिली है चतराल सरकार को। मूल को हाईलैंडर के डिफेंडर्स और मिडफील्डर जो हैं वो अभी तक अपने अटैकर्स को बाल सही तरीके से नहीं पहुंचा रहे हैं। हालांकि उनमें जो है, जो उनके लेफ्ट साइड पे अटैकर्स जो हैं, हमजा हैं, इंतहाई शानदार किक लगाते हैं, मशहूर हैं। अगर उसको दो तीन अच्छे अच्छे मोमेंट्स उनको मिल जाएँ तो यकीनन वो उनको गोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। खालिक उज़्ज़मान वहाँ से अनहार तेज़ी के साथ बाल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सामने हमजा मौजूद, 10 नंबर खिलाड़ी आसिम को बाल दिए। आसिम तेज़ी के साथ बाल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, डी के अंदर दाखिल हो चुके हैं, क्रॉस दिए और ये इजहार लाल बाल तक सही तरीके से नहीं पहुँचे हैं। बाल बिल्कुल डी के अंदर मौजूद, लेकिन वहाँ पे फाउल। ज़बरदस्त मैच यहाँ पे गर्म स्टेडियम द्रोश में जारी है। ये लाइव ट्रांसमिशन अफगान टीवी आप तक पहुँचा रही है। मोहम्मद रसूल एक खिलाड़ी को डांट देते हुए लेफ्ट आउट, इजहार लाल को पास दिया। इजहार लाल बिल्कुल ठीक अंदर दाखिल हो चुके हैं, क्रॉस दी लेकिन नाकाम रहे और स्लिप हुए, और इस तरह एक नादिर मौका जो है उन्होंने वहाँ पर गंवा दिया है। खालिक उज़्ज़मान मैच जारी है। फरहान के पास जायजा लेने के बाद लॉन्ग शूट लगाने की कोशिश की, रहमानुल्लाह ने बैक पास दी। साजिद सीनियर के पास वकार बलोच इंतहाई तेजी के साथ बाल तक पहुंचे और बाल को क्लियर कर दिया है और थ्रो मिला है यहां पे मुल्को हाईलैंडर को। ये मैच 2-0 से जारी है। मोहम्मद रसूल बाल को लेके आगे बढ़ रहे हैं, जायजा लेने के बाद लेफ्ट आउट को बाल देने की कोशिश की इफ्तिखार के पास। इफ्तिखार से मोहम्मद रसूल बाल तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुए। लियाकत बाल तक पहुंच के बाल को अपनी गिरफ्त में लेके वहां से शूट लगाई इफ्तिखार से जिया। साजिद सीनियर शॉर्ट पास, लेफ्ट आउट हमजा को बाल पास दी गई है। हमजा जायजा लेने के बाद बैक पास दिया 8 नंबर को, वहां से लॉन्ग शूट राइट आउट वसीम को, लेकिन वसीम से बाल कोसों दूर आउट लाइन से बाहर और यहां पे थ्रो मिला है
गोलकीपर सामने की तरफ डाइव लगाते हुए बाल को अपनी गिरफ्त में ले ली। ग्राउंड में मौजूद तमाम तमाशाई इस मैच से महसूस होते हुए अपनी अपनी नशस्तों में मौजूद सामने के तमाम बिल्डिंग्स और पवेलियन भर चुकी है। अनहार के साथ फाउल हुआ है यहाँ पे, इसका फायदा दिया गया है चित्राल सरकार को, फ्री किक मिला है यहाँ पे चित्राल सरकार को। अटैक्स पे मौजूद हैं आसिम शिराज, इफ्तिखार, इजहार लाल, मोहम्मद रसूल और मिड फील्ड जो हैं ज़िया पे, ज़िया जैसे बासलाहियत तो तजर्बाकार खिलाड़ी पे पर मुश्तमिल। जायज़ा लेने के बाद शार्ट पास दी खालिक़ुज़्ज़मान को लेकिन बीट हुए, अनहार बाल तक नहीं पहुंच सके। थ्रो मिला है यहाँ पे मूव को हाईलैंडर को, फाउल हुआ है उसका फ़ायदा दिया गया है यहाँ पे ज़िया के साथ। ज़िया फ्री किक लगाने के लिए खुद आए हैं। लॉन्ग शूट, गोलकीपर बिल्कुल तैयार खड़े हैं और ये साजिद सीनियर डायरेक्ट गोल पोस्ट की तरफ किक लगाया था लेकिन नाकाम रहे। गोलकीपर ने बड़ी आसानी के साथ बाल को दबोच ली और राइट साइड पे मौजूद रहमानुल्लाह को पास दी रहमानुल्लाह से बाल, अनहार बाल को क्लियर नहीं कर सके। बारह नंबर खिलाड़ी बाल को तेज़ी के साथ डी के अंदर दाखिल करते हुए वहां से बाल को क्लियर कर दिया रहमानुल्लाह ने और कॉर्नर मिला है यहाँ पे। साजिद जूनियर जो हैं वो कॉर्नर एरिया पे मौजूद हैं, सारे खिलाड़ी के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये मैच 2-0 से जारी है, चित्राल सरकार 2 मोको हाईलैंडर 0। ज़बरदस्त अटैक लेकिन गोलकीपर दराज खत के मालिक हैं, बाल को क्लियर कर लिया और इफ्तिखार तक बाल पहुंचा दिए। इफ्तिखार बाल को लेके आगे बढ़े हैं, लॉन्ग शूट दिए हैं लेकिन शिराज बाल तक नहीं पहुंचे हैं। वहां से फरहान को साइड पास दिया गया था लेकिन फरहान बाल तक नहीं पहुंचे और यहां पे थ्रो मिला है चित्राल सरकार को। खालिक़ुज़्ज़मान थ्रो करने के लिए लाइन पर मौजूद, शार्ट थ्रो इफ्तिखार से बाल इजहार से फिर शायरान, वहाँ से फिर मोहम्मद रसूल, बैक पास शायरान, इजहार लाल, बैक पास टू वकार बलोच, वहाँ से गोलकीपर। बैक पास टू खालिक़ुज़्ज़मान, लेफ्ट आउट को पास दिया गया है, लेफ्ट आउट तेजी के साथ बाल की तरफ ढी के ऊपर मौजूद हैं और यहां पे कॉर्नर मिला है चित्राल सरकार को। शॉर्ट पास मोहम्मद रसूल को, वहां से फिर ज़िया ढी के ऊपर, वहां से लॉन्ग शूट लगाई, रेंज बहुत ज्यादा, बाल आउट लाइन से बाहर। ज़बरदस्त और सनसनीखेज मैच यहाँ पे जारी है, 19 नंबर 12 नंबर इन और 9 नंबर आउट। मोहम्मद रसूल को रेस्ट दी गई है और उसकी जगह यहाँ पे शिरा जैत उमर इन हो चुके हैं और मोहम्मद रसूल को रेस्ट दिया गया है। लेफ्ट साइड पे मौजूद हैं इजहार लाल, डी के बिल्कुल ऊपर मौजूद, वहाँ से क्रॉस दिया और ये ज़बरदस्त मौका था लेकिन ऑफ साइड। ये मैच 2-0 से जारी है, चित्राल सरकार 2 और मोको हाईलैंडर 0। मैच का ये दूसरा हाफ मुराद स्टेडियम द्रोश
चित्राल फुटबॉल लीग सीजन 3 का एक ग्रैंड फाइनल यहाँ पे जारी है। हमारे आज के इस शानदार इवेंट के मेहमान खसूसी हैं सीईओ कोहार्ट सीमेंट, और उसके साथ साथ तशरीफ फरमा हैं कमांडेंट चित्राल स्काउट्स लेफ्टिनेंट कर्नल 146 विंग द्रोश रजीत बिल्ला साहब, और चेयरमैन द्रोश शहजादा खालिद परवेज साहब, और उसके साथ देगर मेहमानान यहाँ पे स्टेज पे मौजूद हैं। फ्री किक मिला है यहाँ पे मूव को हाईलैंडर को, गालिबन हमजा को मीर जो है वो फ्री किक लगा रहे हैं। और डिफेंड ब्लॉक बना रहे हैं चित्राल सरकार के खिलाड़ी, नाकाम रहे बाल 3-4 फीट गोल पोस्ट से ऊपर। हमजा इंतहाई शानदार मैच का मुजाहिरा कर रहे हैं, लेकिन वो मोमेंट अभी बनाने में अभी भी नाकाम है। जुनेद जैत उमर के पास, जैत उमर से बाल लेफ्ट साइड पे शायरान लाल के पास, जैत उमर से बैक पास जियाउसलाम, जियाउसलाम राइट साइड पे खालिकुज़मान को पास दिए, खालिकुज़मान तेजी के साथ बाल तक पहुंच के बाल को आगे ले जाने में तकरीबन नाकाम हो गए। वहां पे आउटलाइन से बाल जो है वो बाहर निकल चुकी थी, साइड लाइन रेफरी जो है वो अपनी झंडी हवा में लहराई और आउट का इशारा दिया। जिया की तरफ से लॉन्ग शूट, वसीम बाल को सही तरीके से कलेक्ट नहीं कर पाए, इफ्तिखार वो भी बीट हुए, और मुखालिफ टीम के खिलाड़ी ने किक लगाई थी और जो कि रीबाउंड होके आउटलाइन से बाहर निकले हैं, और थ्रो मिला है यहाँ पे चित्राल मूल को हाईलैंडर को। इफ्तिखार से बैक पास वहाँ पे इजहार लाल, और यहाँ से शिराज के पास जो है बाल मौजूद है, ज़बरदस्त शूट थी इफ्तिखार की जानिब से, शानदार शूट गोल पोस्ट से तकरीबन गोलकीपर के उंगलियों से टकराते हुए बाल जो है वो आउटलाइन से बाहर, और यहाँ पे कॉर्नर मिला है दोबारा चित्राल सरकार को। जैत उमर जो हैं वहाँ पे कॉर्नर लगाने के लिए मौजूद हैं, सारे खिलाड़ी डी के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ग्राउंडेड शॉट, और यहाँ मौका था लेकिन क्लियर नहीं कर पाए, बाल अभी भी जैत उमर के पास मौजूद है। जैत उमर बाल को लेकर डी के अंदर दाखिल होने की कोशिश की और वहाँ पे फाउल, और उसका फ़ायदा मिला है मूव को हाईलैंडर को, क्लियर कर दिया है बाल को वकार बलोच, बाल हेड के ज़रिए से बाल को आगे इजहार लाल, तेज़ क्रॉस देने की कोशिश की थी मुखालिफ टीम के खिलाड़ी के साथ टकराने के बाद वापस साजिद जूनियर जो है बाल को तेज़ी के साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं, फिर वकार बलोच बाल को क्लियर कर दिया और आउटलाइन से बाहर। मैं मनसेरा से हमारे मेहमान साथी फौजदार खान कमेंट्री बूथ में मौजूद हैं, जो है अपने कुछ व्यूज और अपने कुछ पैगामात जो हैं सामीन तक नाजरीन तक पहुंचाने की दरख्वास्त उन्होंने की है। मैं उस खुशामदीद कहता हूं और माइक जो है उनको हवाला करता हूं ताकि वो अपने जो ख्यालात हैं उनसे आपको आगाह करें। थैंक यू फरहाद भाई, और मैं जमील भाई का बेहद मशकूर हूं जिन्होंने हमें दावत दी और इज़्ज़त बख्शी चित्राल के ग्राउंड पे, और सजात शहीद फुटबॉल क्लब के सदर जनाब बोस्तान खान, शुएब काके, नवीद सफदर, फौजदार खान, कुर्बान अली और मोहम्मद
अल्ताफ को चतराल के ग्राउंड पर दावत दी और इज़्ज़त बख्शी। और मैं एक बार फिर जमील भाई का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने चतराल लीग सीज़न 3 को कामयाब इनेकाद पर मुबारक के मुस्तहिक हैं। और सजाद शहीद फुटबॉल क्लब के सदर जनाब बोस्तान खान इस वक्त स्टेज पर मौजूद है और इस वक्त चतराल सरकार 2 गोल की बर्तरी के साथ हालेंडर बहुत अच्छे खेल भी पेश कर रही है चतराल सरकार दोनों टीमें और तमाशाइयों का जम गफीर चतराल के ग्राउंड पर। और आउट हुए थ्रो मिली है हालेंडर को। दोनों टीमें बहुत अच्छे खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। फौजदार भाई थैंक यू वेरी मच कि आप चित्राल तशरीफ़ लाए और यकीनन आप चित्राल के फुटबॉल लवर्स से इंस्पायर हो चुके हैं। आपको ये अंदाज़ा ये क्राउड देख के और ये जोश व खरोश देख के आपको इसका अंदाज़ा हुआ होगा कि चित्राल के लोग स्पोर्ट्स कितने स्पोर्ट्स लवर्स हैं, वो फुटबॉल के साथ कितने शौक़ रखते हैं और किस तरह वो अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप दूर दराज से चित्राल आए और हमारे मेहमान ठहरे। अगर हमारी मेहमान नवाजी में कोई कमी खामी रह गई हो तो हम आपसे मोजत खां हैं और हम हर आपको हर कला राशे जो हम कहते हैं और खुश आमदीद कहते हैं। आइंदा भी इंशाल्लाह इस तरह के इवेंट्स में आप अपनी शिरकत को यकीनी बनाएंगे और जितने भी थ्रू आउट पाकिस्तान और इंटरनेशनली और नेशनल इंटरनेशनल दोनों जो है हमारे नाजरीन जो हैं वो स्पोर्ट्स लवर्स जो हैं वो चित्राल ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और यहाँ के स्पोर्ट्स यहाँ पे फुटबॉल के अलावा फुटबॉल क्रिकेट के अलावा जो रिवायती हमारी जो खेल है यहाँ पे पोलो वो इंतहाई शौक़ से यहाँ पे खेला जाता है और हर सीज़न में उसके टूर्नामेंट्स जो है यहाँ पे तहसील लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हैं खेले जाते हैं और दुनिया के जो बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड है शानदूर वो भी चित्राल में मौजूद है। यहाँ पे हर साल जो है जुलाई के महीने में वहाँ पे पोलो खेली जाती है जो फ्री स्टाइल पोलो है और चित्राल के बहुत ही नामवर प्लेयर्स शहजादा सिकंदर मुलुक इजहार अली खान और दूसरे जितने भी चीदा और मकबूल जो अपने दौर के बेहतरीन खिलाड़ी रह चुके हैं। हमजा नाकाम रहे बाल खालिक जमान को लॉन्ग शूट दी थी लेकिन खालिक जमान बाल को कलेक्ट नहीं कर पाए। शार्ट पास 34 नंबर के खिलाड़ी को वहां से फैर साजिद जूनियर से फैर हमजा लॉन्ग रेंज शूट लगाने के लिए मशहूर लेकिन मुखालिफ टीम के खिलाड़ी से टकराने के बाद बॉल आउटलाइन से बाहर और यहां पे कॉर्नर मिला है मूल को हाईलैंडर को। साजिद जूनियर कॉर्नर एरे की तरफ जाते हुए सारे खिलाड़ी डी के अंदर दाखिल होते हुए मैच का दूसरा हाफ के अख्तितामी लम्हात यहां पे मुराद स्टेडियम द्रोश में जारी हैं। 2-0 से मैच जारी है। क्रॉस बॉल लेकिन डिफेंड लाइन पे चित्राल सरकार के खिलाड़ी मौजूद। और यहां पे चेंज अलर्ट 8 आउट 15 नंबर इन और इफ्तिखार को रेस्ट दिया गया उसकी जगह 15 नंबर खिलाड़ी इंतखाब इन हो रहे हैं। इफ्तिखार ने दूसरा स्कोर इस मैच का दूसरा स्कोर शानदार स्कोर किया था। ताहम उससे पहले 2 मौके अच्छे मौके उसको मिले थे लेकिन वो स्कोर करने में नाकाम रहे थे लेकिन दूसरा गोल उन्होंने दाग दिया अपनी टीम के लिए। पहला गोल शिराज और मैन ऑफ द यहाँ पे हमजा जबरदस्त अटैक लेकिन बॉल लेफ्ट आउट। अगर स्लिप जाते तो यकीनन ये
गोल हो सकता था। यहाँ पे खिलाड़ी जख्मी हुआ है। रेस्क्यू के अहलकार ग्राउंड में दाखिल हो चुके हैं। ज़ियाउस्सलाम गालिबन रहमानुल्ला जख्मियों के गिर गए हैं। शॉर्ट पास टू वखार बलोच, वखार बलोच लॉन्ग पास दी है शिराज को। शिराज बैक पास खालिकुज़्ज़मान, वहां से लेफ्ट आउट इजहार लाल को लॉन्ग शूट दी गई है। वहां बाल तक पहुंच चुके हैं और बाल को लेकर ठीक के अंदर दाखिल हैं। क्रॉस बॉल और जबरदस्त स्कोर, जबरदस्त स्कोर शिराज की तरफ से। इस मैच का दूसरा स्कोर शिराज की तरफ से और ये तीसरा स्कोर चित्राल सरकार की तरफ से। इंतहाई शानदार स्कोर, जबरदस्त स्कोर, तेजी के साथ बॉल को हवा में शूट करके गोल पोस्ट के अंदर दाखिल कर दिया। इस मैन, इस टूर्नामेंट के मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी यही गालिबन शिराज ही हैं। ये हैट्रिक भी कर चुके हैं क्वार्टर फाइनल प्री क्वार्टर फाइनल में। आज उन्होंने दो स्कोर कर दिए हैं और मजमूई तौर पर तीसरा गोल था। ये मैच 3-0 से जारी है। दूसरे हाफ का इख्तितामी, दूसरे हाफ के इख्तितामी लम्हात जो हैं वो जारी हैं। जबरदस्त मैच चित्राल सरकार के प्लेयर्स की जानिब से। इस इवेंट के बेहतरीन गोल स्कोरर वकार आसिम शिराज हैं। इससे पहले अफगान टीवी के एक प्लेयर से नाम मुझसे भूल गया, उन्होंने भी हैट्रिक की थी। यहाँ पे फाउल हुआ है, येलो कार्ड दिखाया गया है 34 नंबर के खिलाड़ी को, मूल को आइलैंडर के 34 नंबर के खिलाड़ी को। तीसरा स्कोर शिराज ने किया, पहला स्कोर शिराज ने किया, दूसरा स्कोर इफ्तिखार ने किया और तीसरा स्कोर फिर शिराज ने किया। मजमूई तौर पर 3 स्कोर हुए हैं और ये मैच चित्राल सरकार के झूली में गिरते हुए। मैच के इख्तितामी लम्हात, रेस्क्यू अहलकार ग्राउंड में मौजूद। आज के इस मैच में वकार बलोच, अनहार शिराज, ज़ियाउस्सलाम छाए रहे और इजहार लाल यकीनन उन्होंने अच्छे मोमेंट्स बनाए और ज़बरदस्त क्रॉस बॉल दिए जिनका भरपूर जो है अटैकर्स ने फ़ायदा लिया। यहाँ पे रहमानुल्ला को दोबारा गिराया गया था, वो जख्मी होके ग्राउंड से इन हैं, वो ग्राउंड के वश में मौजूद हैं। ज़बरदस्त खेल का मुजाहिरा, मैच के इख्तितामी लम्हात। वकार बलोच, जैद उमर को बाल दी, जैद उमर राइट आउट, खालिकुज़्ज़मान बाल तक पहुंच चुके हैं, ठीक है दाखिल हो चुके हैं। क्रॉस बॉल और जोरदार हिट लगाया था लेकिन नाकाम, बॉल आउटलाइन से बाहर। जबरदस्त अटैक्स यहाँ पे दोनों तरफ, लेकिन गोल पोस्ट तक पहुँचाने में चित्राल सरकार के खिलाड़ी कामयाब हुए हैं। हमजा बाल छीन लिए हैं वकार बलोच से।
डार्ज देने की कोशिश कर रहे हैं, क्रॉस देने की कोशिश, बाल साजिद से, फिर वहां से अनहार ने बाल छीन लिए, साजिद जूनियर, फिर वहां से बैक पास, इंतखाब, शॉर्ट पास टू जैद उमर, जैद उमर बाल को लेके आगे बढ़ रहे हैं, सात खिलाड़ी मौजूद, खालिकुज़्ज़मान को बाल दी, खालिकुज़्ज़मान बाल को लेके आगे बढ़ रहे हैं, मूवमेंट बनाने की कोशिश, इसार लाल बाल को मिस कर दिया और बाल आउटलाइन से बाहर, थ्रो मिला है यहाँ पे मूव को हाईलैंडर को, इंतहाई शानदार मैच यहाँ पे देखने को मिला है आज, बैक पास मूवमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन टाइम काफी हाथ से जो है निकल चुकी है, गोलकीपर हाथ से बाल को खालिकुज़्ज़मान तक पहुंचा दिए, वहां से बाल अनहार के पास, अनहार ने फिर लॉन्ग शूट दी है लेकिन इंतखाब शिराज एक मरतबा फिर बाल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फरहान और फिर उससे लियाकत गोलकीपर ने आगे बढ़ते हुए बाल को लेफ्ट फुटेड जोरदार हिट लगाई और बाल लाइन से बाहर, यहां पे थ्रो मिला है चित्राल सरकार को, मैच के इख्तितामी लम्हात यहां पे जारी है। ज़बरदस्त एफर्ट लेकिन शॉट में वो दम नहीं कि वो गोल के अंदर दाखिल हो सके, लियाकत ने बाल को हाथों में ले लिया, हमजा तेजी के साथ बाल की तरफ दौड़ते हुए डी के अंदर दाखिल हुए, जबरदस्त कोशिश, खालिकुज़्ज़मान हेडिट कोशिश, हेडिट एफर्ट नाकाम रहे, एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, एग्जॉस्टेड हो चुके हैं यहाँ के मूल को आइलैंडर के खिलाड़ी, छाए रहे आज चित्राल सरकार के खिलाड़ी, प्रोफेशनल प्लेयर्स पर मुश्तमिल ये टीम, पाकिस्तान लेवल और इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी इस टीम में मौजूद हैं, इजहार लाल बीट हुए, साजिद लॉन्ग शूट और लॉन्ग पास देने की कोशिश की थी, इस तरह ये मैच चित्राल सरकार ने 3-0 के साथ जीत ली है, चित्राल सरकार चित्राल फुटबॉल लीग सीजन 3 के फाइनलिस्ट ठहरे और यहाँ पे उन्होंने शानदार मुकाबला करते हुए 3-0 से ये मैच उन्होंने जीत ली है। मैं अफगान टीवी के ऑफिशियल्स, कैमरामैन, डायरेक्टर और उसके जो प्रोड्यूसर सारे टीम के मशहूर हों कि उन्होंने ये इवेंट्स जो हैं पूरे पाकिस्तान पूरे दुनिया में जो है हमारे नाजरीन को दिखा दी और इस टूर्नामेंट के लम्हा ब लम्हा को दूसरों तक पहुंचाने में अपनी किरदार अदा की। मैं एज चित्राली एज द्रोश के बासी मैं इनका मशहूर हूं कि इन्होंने हमें हमारे तमाशाइयों जो दूर दराज के जो शायकीन हैं उन तक ये मैच लाइव पहुंचा दी और चित्राल सरकार के ऑनर फख्र आजम को मुबारकबाद पेश करते हैं और मूल को हाईलैंडर के खिलाड़ियों को भी दाद देते हैं कि उन्होंने शानदार मुकाबला कर दिया है। आप सबका शुक्रिया।
खास कर शहजादा नसरुद्दीन साहब और सीओ कुमार सिमेंट और दूसरे हमारे जितने भी हाजरीन कराम यहाँ मौजूद हैं, तहसील चेयरमैन शहजादा खालिद परवेज साहब और दीगर मेहमान गिरामी, हम अपने कमांडर साहब जो आज यहाँ मेहमान भी हैं क्योंकि पहली बार दोस्त तशरीफ लाए हैं और फिर मेजबान भी हैं क्योंकि इन प्रोग्रामों की सरपरस्ती हमारे कमांडर साहब खुद कर रहे हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और कल कैसे हजार साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं और शहजादा मसरुद्दीन मुल्क साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने कुमार सिमेंट के सीओ साहब जो जहाँ तस्वीर रखते हैं उस तक हमारा पैगाम पहुंचाया और इस चतराज जैसे इस पसमानदा इलाके में लीग के साथ भरपूर अंदाज में तारुण करने का मौका फराहम किया। दुआ करते हैं जनाब वाला, मैं मुख्तसर अपने मकसद की तरफ आऊंगा। इस स्टेडियम की तामीर में हमारे सबका विंग कमांडर साहब और हमारे कमांडर साहिबान ने भरपूर तारुण की है। आप सभी गुजारिश है कि हमें इस चीज का आयोजन हो, कमों के साथ आपकी जबरदस्त दिलचस्पी है और तालीम के साथ आपकी जबरदस्त दिलचस्पी है। हम आपसे तवक्कु रखते हैं कि देश के तालीमी माहौल को बेहतर बनाने और देश के नए नौजवानों के लिए यहाँ जो है ये इनको मंशियात से पाक करने के लिए देश में जितने भी हमारे नौजवान सोसाइटी है उनके लिए खेल के जो सहूलियात हैं वो फराहम करते रहेंगे। हम आपका शुक्रिया हमेशा हमेशा के लिए अदा करेंगे। और इसके अलावा बोलना खानी को इसके अलावा वो हम अपने कुहार सीमेंट के चीफ साहब और हम शहजादा मसूदुल्लाह साहब जो छपराली आवाम के दिलों की धड़कन है, छपराई की तामीर तरक्की के लिए बाहर लोगों का दौरा करते हैं, हम आज जनाब सभी दोनों साहिबों से गुजारिश करते हैं और हमारे कुहार सीमेंट वाले हमारे चीफ साहब यहाँ हमारे सीढ़ियाँ बनाने के लिए जरूर हमें सीमेंट की जरूरत होगी तो हम आपसे तवक्कु रखते हैं क्योंकि ये मोर्मी मुसलमान से इंसान छुड़ाना मुश्किल है। आप भी हैरान होंगे कि किसी मोर्मी के साथ रास्ता पड़ा, हम अपने इन खेल के नौजवानों के साथ रात दिन गुजारते हैं तो आपसे तवक्कु रखते हैं कि सीएम के मसले में हमारे साथ काम करेंगे और हमारे इन कमांडो साहब की सरपरस्ती में इंशाल्लाह ये तारीखी स्टेडियम बनेगा। और इसके अलावा जनाब वाला वो हमारे नौजवान वो कमाल अब्दुल शमीर जो मेरा छोटा भाई है, इन नौजवानों के लिए दोस्तों जो नौजवान आपके इस्तेमाल के लिए आए हैं इनके बेहतरीन तालीम और तरबियत और खेल के मैदान में मंशियात से रोकने के लिए जो ही का वो सिस्टम शुरू किया है और खासकर इस साल मुझे मालूम है शहजादा खालिद परवेज साहब की बहुत सरकार से भी शहजादा इस्लामी मुल्क साहब की और हमारे दूसरे भाइयों की जबरदस्त से हासिल हुई, हम हसान साहब को भी यही कहते हैं कि इंशाल्लाह इस स्टेडियम को बढ़ाने और इसकी तामीर में आप भी अपना किरदार अदा करेंगे, तहसील नाजिम भी किरदार अदा करेंगे, शहजादा मसरुद्दीन मुल्क साहब भी किरदार अदा करेंगे क्योंकि खेल का हो हमारे नौजवान खुश होकर दुआ देंगे, हम नमाज ईद अदा करते हुए आप सबके लिए दुआएं देंगे, समाज की नमाज अदा करते हुए आप सबके लिए दुआएं देंगे इंशाल्लाह। कुछ आखिरी बात मेरी ये गुजारिश है कि हमारे छपरा स्टाफ के जो नौजवान शहीद हुए हैं उनके आपने भी आए गए सोसाइटी में यहाँ एक बड़ा प्रोग्राम रखा है हमारे कर्नल कैसा साहब के उसमें सरपरस्ती में, तो हम अपने छपरा स्टाफ के उन शहदाओं को खराज तहसील पेश करते हैं जिन्होंने छपरा की मिट्टी के लिए अपने जानों का नजराना पेश किया। हमने उनके बच्चे बुलंद आजाद के लिए मसाजिद मदारिस में दुआओं का सिलसिला मुकम्मल कर लिया अब भी जारी है, लेकिन खेल के मैदान में भी हमारे नौजवान उनकी यादों को ताजा करने के लिए कमांडेंट छपराज को के साथ में छपरा में प्रोग्राम हो रहा है और देश में यहाँ हमारे आर्यन सोसाइटी की जानब से हमारे विंग कमांडर के साथ से 146 दिन ने जो कमालात दिखा दिए उनके खुशी में यहाँ प्रोग्राम हो रहा है। मेरे ख्याल के मुताबिक 3 दिन बाद उसका भी दोबारा फाइनल होगा। हम आज एक बार फिर आपको दावत दी गई थे यहाँ तस्वीर आए वह आखिर जमाना अलहमदुल्ला रब العالمین। हमारा मेहमान भी मेहमान भी हमारे दिलों के धड़कन कमांडेंट चिताल स्काउट रियाज साहब से मैं नाम भी बड़ा मुबारक नाम है, मैं दरख्वास्त करूंगा कि आपने मुस्तफ़ा से अल्लाह साहब मुस्तफ़ा फरमाए।
मैं कारी साहब के साथ से कह रहा था कि इसी तरह की जज्बाती तकलीफ और शासी तकलीफ तो हम नहीं कर सकते, बल्कि किसी का विवाद हम कर सकते। चित्राल के बारे में मैं कहता हूँ कि चित्राल अपने खूबसूरत वादियों पहाड़ों के साथ साथ यहाँ के पुरमन मुगल वजन लोगों के अलावा खेलों की वजह से और खेल के अंदर की स्पेशल पोलो तो एक फ्री स्टाइल पोलो चित्राल की पहचान है और फुटबॉल। आज फुटबॉल का ये मैच देखा, बड़ा मज़ा आया और बड़ा मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतना अच्छा स्टैंडर्ड का मैच दौड़ में हो सकता है। इस मैच को जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, जो आपका आइडियल क्लब है और तमाम माहरीन जो इसमें जिन्हें इसमें हिस्सा डाला है, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। मैं तमाम यहाँ के सीनियर जो नोटेबल जो यहाँ के हजरात हैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ और सबसे ज़्यादा मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के नौजवानों को और जलोज की आवाम को जिन्हें इस मुकाबले का इनका कराया और इसको ऑर्गेनाइज करके यहाँ पर हेल्प किया। इसके अलावा जितनी भी टीमें थी ये एक नेशनल लेवल का और बहुत अच्छा मुकाबला देखने में मिला और स्पेशली जो आज का फाइनल था जिसकी ये दोनों टीमें थी, फर्स्ट हाफ तक तो दोनों का 0-0 मुकाबला रहा बट दूसरे हाफ में चित्राल सरकार ने ज़्यादा अच्छे खेल दिखाया और 3 गोल किए और बाकी जो हमारी अपर चित्राल टीम भी बहुत अच्छा खेली और ये इंशाल्लाह ताला हमारी स्काउट की और 146 विंग की सपोर्ट हमेशा इधर के लोगों के लिए और खेलों के लिए रहेगी और इंशाल्लाह इस इवेंट को भी हम अगले साल इसी भी बेहतर तरीके से कराने की कोशिश करेंगे और ना सिर्फ दरोश में बल्कि हम बाकी चित्राल के अंदर भी मजीद खेलों के इंतकाल कराएंगे। अभी हमारा एक शोधा के ऊपर कॉम्पिटिशन हो रहा है इंशाल्लाह ताला, इस पर IDFC को भी हमने रिक्वेस्ट की है कि 20 तारीख को उसका फाइनल है, वो भी बहुत अच्छा है कॉम्पिटिशन है, वहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पर भी मुझे जब विंग कमांडर ने कहा तो मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा इस कॉम्पिटिशन के अंदर भी, मैं आके इसका फाइनल देखना पसंद करूँगा। और अभी मुझे कारी साहब ने बताया है कि कुछ अर्से बाद ये भी शोधा के नाम पर कॉम्पिटिशन करा रहे हैं और ये इंशाल्लाह ताला सिलसिला जारी रहेगा और इसके अलावा बाकी खेलों को भी और बाकी जगहों पर भी हम इंशाल्लाह फुल सपोर्ट करेंगे। चित्राल स्काउट चित्राल का एक हिस्सा है और इधर जो कुछ भी होगा इंशाल्लाह ताला मिलजुल के करेंगे और हमारे बाकी जो सीनियर हैं शहजादा साहब भी और वो भी उनको भी बड़ा इंटरेस्ट और स्पेशल इस कंपटीशन में है, उनका भी हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं और अटक सीमेंट के चेयरमैन साहब के साहब आए हैं उनका भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे इवेंट को हौसला अफजाई की और इंशाल्लाह ताला मिलजुल के इस ग्राउंड को भी बेहतर करेंगे और खेलों को भी इंशाल्लाह ताला यहाँ पर जितना फ़रोग दे सके जितनी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। आखिर हम तकसीम इनामात की तकरीब को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं तहसील चेयरमैन रोज शहजादा खालिद परवेज साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे दोस्त के विंग कमांडर 146 विंग जनाब कर्नल कैसर उल्लाह साहब को खुशी से वीडियो पेश करें। शहजादा खालिद परवेज साहब शहजादा मसूद मुल्क साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे आज की बहसा है चित्राल फुटबॉल लीग का यादगारी सीनियर कमांडर चित्राल सिकाउट को पेश करें और आप शहजादा मसूद मुल्क साहब। मैं आप हमारे दोस्त के विंग कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल कैसर आजाद साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो चित्राल फुटबॉल लीग का सीनियर SRSP के चीफ एग्जीक्यूटिव और आप शहजादा मसूद मुल्क साहब को पेश करें। मैं कमांडर चित्राल सिकाउट से गुजारिश करूंगा कि वो PSO चित्राल जनाब अमीर जमान साहब को सवेनिया पेश करें। DSO साहब का हमारे साथ बहुत ज्यादा ताउन है, इसके लिए खुशी थी। मैं CEO कोलाब सीमेंट एजाज शेर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इंजीनियर खादिमुल्ला साहब को
हाय 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 रजक है यार।
जनाब वाला पिछले दिनों इस लीग का सेमीफाइनल मैच खेला गया था चित्राल सरकार और पाकिस्तान पुलिस के दरमियान। उस मैच में वो मैच लेट खत्म हुआ था, इस वजह से हमने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड नहीं दिया था। सेमीफाइनल का मैन ऑफ द मैच चित्राल सरकार के प्लेयर अनहार अनहार आज के मौजूद मेहमान खुसूसी कमांडर चित्राल जी का उससे अपना मेडल वसूल कर लो। आज के इस मैच के मैन ऑफ द मैच में शेराज चित्राल सरकार के शेराज पीएसओ चित्राल से मेडल वसूल करेंगे। गेन ऑफ द टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा बॉल स्कोर करने वाला खिलाड़ी आपके ख्याल में कौन है? कौन? शराज चित्राल सरकार के प्लेयर जिन्होंने उस टूर्नामेंट में पहला गोल स्कोर किया। कमांडर चित्राल सरकार से मैं आपके टूर्नामेंट का अवार्ड वसूल करेंगे। अच्छा, मैं मौजूद मेहमान खुशी बदेगर मेहमान के नोटिस में एक बात आना भूल गया था। इस टूर्नामेंट में इंतजामिया की तरफ से जीतने वाली टीम को 2 लाख रुपए कैश प्राइज है और रनर अप टीम के लिए 75,000 रुपए कैश प्राइज है, वो भी हम इनको पे कर देंगे। ठीक है, अब बड़ा दिन चित्राल सरकार की टीम की 3 सालों की मेहनत बिलाकर रंग लाई है। मैं चित्राल सरकार के कैप्टन और खिलाड़ियों से गुजारिश करूंगा कि वो जनाब कमांडर चित्राल सरकार एसआरएसपी के सीईओ और सोहर सीमेंट के सीईओ साहब से काफी उसी का कमांडर से बात की जाए। चल रहे सर, क्यों जाता है आप रागिना? मोहम्मद रसूल भाई